देखिए राकेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, पिक्चर बननी चाहिए। अगर बजरंगी भाईजान बन सकती है तो बुलडोजर भाईजान भी एक पिक्चर बननी चाहिए। अगर तीस मार खान पिक्चर बनती है तो पहलू खान भी एक पिक्चर बननी चाहिए। पिक्चरें तो बहुत बन सकती हैं, लेकिन आरआरसी जैसी नहीं बन सकती। माजी धैदरी सुनिए, मैंने आपका इंट्रोडक्शन कैसे किया आपको पता है? पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फिल्म क्रिटिक फिल्म एनालिस्ट के तौर पर नहीं। तो फिल्म का ज्ञान मत दीजिए, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर, ठीक है ना? आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, फिल्म के क्रिटिक और एनालिस्ट आप नहीं है। बोलिए, कोई जवाब है नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। माजिद हैदरी, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटाए। और उन्होंने और भी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करके कहा कि बीजेपी के लोग आएंगे तो अपनी भाषा और अपनी जात दिखाते हुए, अपने पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हुए बात करते हुए कहा, गलत शब्दों का व्यवहार करके, कि आप उनके साथ ऐसा करिएगा। तो इनका कल्चर देख लीजिए, थॉट प्रोसेस देख लीजिए, उस पे अगर ये औरतों और बच्चों को जिंदा जला दें तो ये तो इनका नेचर है। वायलेंस इनके रग रग में बसा हुआ है, इनके रगों में खून नहीं, आतंक दौड़ता है। हर चीज का ठीटरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी कुछ बनवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से कश्मीर फाइल हिट हो रही है, वगैरह वगैरह। 2019 पे नरेंद्र मोदी के जीवन पर पिक्चर बनी थी, विवेक ओबराय थे जिसमें, कितनी बड़ी हिट हो गई वो। इनके हिसाब से तो उसको ऑस्कर मिल जाना चाहिए था। अगर सारा काम जनता से नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं तो 2019 की नरेंद्र मोदी पर बनी पिक्चर भी तो सुपर डुपर हिट होनी चाहिए थी ना, 1000 करोड़ का बिजनेस करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो यहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं, टीएमसी का पक्ष जिन्होंने रखा, वो कहते हैं कि वो फिल्म नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते। उन्हें ये भी नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद पूरी एनएचआरसी की कमेटी यहाँ आई थी। उन्हें ये भी नहीं पता कि उस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ शासक का जो है वो कानून चलता है, कानून का शासन नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि जब बख्तुई कांड हुआ वहां पर औरतों और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये वही टीएमसी के लोग हैं जो गले में पेट्रोल के कार्ड लगा लगा के रेड दिखा रहे थे लोगों को, मगर उसी पेट्रोल को डाल करके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया गया। अरे इन्हें कुछ नहीं पता। मैं कहती हूँ, मिनी पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे, बॉबी हकीम उस विधायक का नाम है जिसने एक पाकिस्तानी पत्रकार को कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, अपने इलाका को दिखाते हुए कि खेदरपुर जो है वो मिनी पाकिस्तान है। और उन्होंने और भी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करके कहा कि बीजेपी के लोग आएंगे तो अपनी भाषा और अपनी जात दिखाते हुए, अपने पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हुए बात करते हुए कहा, गलत शब्दों का व्यवहार करके, कि आप उनके साथ ऐसा करिएगा। तो इनका कल्चर देख लीजिए, थॉट प्रोसेस देख लीजिए, उस पे अगर ये औरतों और बच्चों को जिंदा जला दें तो ये तो इनका नेचर है। वायलेंस इनके रग रग में बसा हुआ है, इनके रगों में खून नहीं, आतंक दौड़ता है। ठीक, मैं आगे एक आपसे सवाल जरूर करूंगा प्रियंका टिवरवाल, इससे पहले मैं बाकी सबकी टिप्पणी ले लूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आप लोगों के पास भी हैं, सिर्फ देखते रहेंगे फिल्म बनवाएंगे क्या? मैं जवाब इसका आगे आपसे लूंगा। माजिद हैदरी, कश्मीर फाइल्स पर आपने भी खूब रोना धोना मचाया, हिंसा हुई, ये सच है, ये तारीखी साबित बात है। अब इस पर भी आप लोग रोना धोना मचाएंगे, फिल्म बनेगी तो तैयारी हो रही है ना? नहीं देखिए राकेश भाई, आज तो रोने धोने का दिन नहीं है, आज तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आरआर पिक्चर को हमारा जो ऑस्कर अवार्ड मिला है उसके लिए। और मैं तो कहता हूँ कि आज का दिन हमारी देश की हिस्ट्री में याद रहना चाहिए, हम इसे नाटू नाटू दिवस मनाना चाहिए कि हमें पहली दफा ऑस्कर इतना बड़ा पुरस्कार। देखिए राकेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, पिक्चर बननी चाहिए। अगर बजरंगी भाईजान बन सकती है तो बुलडोजर भाईजान भी एक पिक्चर बननी चाहिए। अगर तीस मार खान पिक्चर बनती है तो पहलू खान भी एक पिक्चर बननी चाहिए। पिक्चरें तो बहुत बन सकती हैं, लेकिन आरआरसी जैसी नहीं बन सकती। माजी धैदरी सुनिए, मैंने आपका इंट्रोडक्शन कैसे किया आपको पता है? पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फिल्म क्रिटिक फिल्म एनालिस्ट के तौर पर नहीं। तो फिल्म का ज्ञान मत दीजिए, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर, ठीक है ना? आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, फिल्म के क्रिटिक और एनालिस्ट आप नहीं है। बोलिए, कोई जवाब है नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं।
माजिद हैदरी। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। मुझे अपने घर जाना है। चलिए रिजवान भाई, इनके पास जवाब नहीं है। फिल्म एनालिस्ट के तौर पर बुलाया नहीं जाता, पॉलिटिकल एनालिस्ट तैयारी हो रही है कि अगले एक साल में बंगाल फाइल्स के नाम पर कैसे रोना धोना मचाएंगे। जी जी, शुक्रिया। जैन वंदे मातरम। देखिए, अभी हमारे शायद कोई टीएमसी के भाई हैं, उन्होंने बात बोली कि फिल्म गोधरा पर भी बननी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल बननी चाहिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, गुजरात के दंगों पर जब भी पिक्चर कोई बने वो गोधरा से शुरू होनी चाहिए, जिसके बाद गुजरात के दंगे हुए। शाबाश बेटा, तो बिल्कुल बननी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको बनानी है, बंगाल का कोई भी डायरेक्टर जो टीएमसी से जुड़ा हुआ हो वो बना दे, अगर अच्छी होगी पब्लिक देखेगी, नहीं होगी नहीं देखेगी। लेकिन पूरी सच्चाई दिखाने के लिए अहमदाबाद की गोधरा पर पिक्चर का सीन जरूर होना चाहिए, सीन पिक्चर में जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। बीबीसी बैंड क्यों किया अभी? फिर किसी ने बोला कि मोदी बनवा रहे हैं। राकेश भाई एक बात बताइए, हर चीज का ठीटरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी कुछ बनवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से कश्मीर फाइल हिट हो रही है, वगैरह वगैरह। 2019 पे नरेंद्र मोदी के जीवन पर पिक्चर बनी थी, विवेक विवेक ओबरॉय थे जिसमें। कितनी बड़ी हिट हो गई वो, इनके हिसाब से तो उसको ऑस्कर मिल जाना चाहिए था। अगर सारा काम जनता से नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं तो 2019 की नरेंद्र मोदी पर बनी पिक्चर भी तो सुपर डुपर हिट होनी चाहिए थी ना, 1,000 करोड़ का बिजनेस करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका मतलब यह है कि जनता जो देखना चाहती है वो नरेंद्र मोदी गवर नहीं कर रहे, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं देख रही है, वो सत्य के नाम पर देख रही है। और सत्य के नाम पर जब वो देखती है और आपके पेट में दर्द होता है तभी वो कॉन्ट्रोवर्सी बनती है। अगर जो कश्मीर फाइल बनी थी, अगर उसमें कश्मीर से जुड़े हुए वक्ता सिर्फ इतना कह देते, सिर्फ कि हां भाई हमसे बड़ी गलती हुई, उस वक्त हम डर गए या घबरा गए, हम कश्मीरी पंडित तो हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हो पाए, हम आज भी शर्मिंदा हैं, और जो नहीं नहीं गलत। रिजवान भाई ये किसी पॉलिटिकल क्लास में उम्मीद मत करिए कि वो ये कहेगा। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट की सरकार और टीएमसी की सरकार, हिंसा का दौर नहीं रुका। नाटू नाटू मत करिए, फिल्म एनालिस्ट साहब नहीं है माजिद हैदरी, ये कॉमेडी नहीं होती है नेशनल चैनल के डिबेट शो में, खासतौर पर जब गंभीर मसले होते हैं तो। क्या रिजवान भाई जो मैंने आपसे बात कही थी उस पर आपकी राय, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, माजिद हैदरी अभी रिजवान भाई का समय, आप शांत रहिए सर, सिर्फ रिजवान भाई की आवाज होने जा रही है, माजिद हैदरी की आवाज नहीं। राकेश भाई, कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू मारे गए, ऑफिशियल फिगर शायद 250 के आसपास का है और अनऑफिशियल फिगर 450 के आसपास का है, चलिए हम 250 ही पकड़ लेते हैं। तो क्या विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल में 250 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को मारते हुए दिखाया? नहीं।